सो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं अमर दी नॉर्डन राइडर स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। सो गाइज आज मैं निकल चुका हूं एक और नई राइड के लिए और आज की राइड पे मैं जा रहा हूं एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जिसे लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं। बहुत सुंदर जगह है और वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही है, हिमाचल में ही है। फिलहाल मैं रुका हूं प्रोर के पास में, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। तो अभी ब्रेकफास्ट करूंगा और उसके बाद मैं निकलूंगा आगे। बन गए भैया, तो ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है रेडी। सो भाई ढाबे पे चाय पीने का मज़ा कुछ और आता है ना। ये देखो ये भाई का ढाबा है अंदर से। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक हिस्टोरिकल साइट है, कांगड़ा में ही है, तो वो दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में आप सभी को। गाइस चाय चुई पी ली, थोड़ी देर रेस्ट भी की, बातें में की भाई से, अभी निकलते हैं। बैठो भाई, भाई को जाना थोड़ी आगे तक, तो इनको छोड़ता हूँ और फिर मैं आगे सीधा निकल जाऊँगा। यहाँ से 55 किलोमीटर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। सो भाई को ये जिनका ढाबा था इधर आना था, इनको कुछ सब्जियाँ लेनी थी ना, तो बोला छोड़ दो आगे तक, थोड़ा सा छोड़ दिया। और मैंने सर्विस करवा ली है, फिर भी इंडिकेशन बता रहा है सर्विस का, बिकॉज मैंने 9,500 किलोमीटर पे करवा ली थी मैंने सर्विस, और ये जो इंडिकेशन जो होता है वो 10,000 किलोमीटर पे आया अभी। तो इसको कैसे हटाना है वो मैं कोशिश तो कर रहा था, हो नहीं पाया मेरे से, बट अभी यूजर मैनुअल में देखूंगा घर जाके ना, फिर कर दूंगा इसको रिसेट। और ये है प्रोर, यहाँ पे राधा स्वामी जी का सत्संग होती है इधर, और संडे को तो होती है बट बाबा जी जब आते हैं तो बहुत भीड़ होती है इधर प्रोर में। और ये माउंट का मेरे पास ये पहले ये माउंट था, मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा आपने, उसके बाद क्या हुआ इसका जो क्लैंप था ऊपर वाला माउंट, कैमरा माउंट करने वाला, वो टूट गया था। फिर मैंने सोचा कि खरीदूंगा एक और मंगाया, तो उससे वो काम नहीं बना, वो उसमें वाइब्रेशन होता था, कैमरा हिलता रहता था। तो अभी ये मेरा पुराना जो पड़ा था ना उसका ये पार्ट मिल गया ऊपर वाला, तो अभी आज मैं यूज करूंगा इसको, बीच में सही हो गया, नहीं तो मेरे को 2,000 का फटका और लग जाता है नया मंगाता तो। मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं, बड़े दिनों से खींचा नहीं है इसको। ये लो फिर, ओ भाई चलो ऑब्स्टेकल क्लियर कर दिए। यहाँ पे हेलमेट शॉप आते टाइम पता करूंगा हेलमेट का जाएगा तो ले लूंगा, पर अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऑफ रोड हेलमेट ले लूँ, बट ऑफ रोड हेलमेट मेरा पर्पस कितना सोल्व करेगा ये नहीं पता मुझे। ऑफ रोड हेलमेट के साथ में मेरे गॉगल्स भी लेने पड़ेंगे। दीदी देरी इंडिकेटर, जाना है जाइए। अरे यार खुद भी नहीं जाते, हमें भी नहीं जाने दे रहे हैं, दीदी का कोई भरोसा नहीं ना। फिर बड़ी देर तक वेट किया बट दीदी ने अपना इरादा बदल दिया, हम नहीं बदलेंगे, हमारे इरादे नहीं बदलते कभी। ये है मार्केट नगरोटा की, ये मैं अपने कांगड़ा फोर्ट वाले ब्लॉग में दिखा रखी है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कांगड़ा फोर्ट का जो ब्लॉग है। चलो जी हम भी ऐसे ही ओवरटेक करते हैं, बचते बचाते भीड़ से करना पड़ता है, क्या करें धंधा ही कुछ ऐसा है हमारा। भाई भीड़ लगवा दी पुलिस वाले अंकल ने, देख लो सब देखो इनको, और ट्रक जी आ रहे हैं, थोड़ा सा दे दो चाचू हमें भी जाने दो। और उन दे के निकल जाएंगे हम ऐसे कट सट मार के ना। फौजी भाई भी हैं यार, फौजी हैं नहीं, फौजी नहीं है, पेंट फौजी वाली है। ये जो हाईवे है थोड़ा सा बिजी रहता है, ट्रैफिक मिलेगी आपको इस पर। मटोर से चला जाएगा दिल्ली की तरफ, चंडीगढ़ दिल्ली वाला, और मटोर से अगर सीधा चला जाए तो पठानकोट चला जाएगा, दोनों साइड की ट्रैफिक मिलती है आके, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता हाईवे। देख लो क्या सुंदर हाईवे है, दोनों तरफ पेड़, बीच में सीधा हाईवे,
कांगड़ा में आपको ना शोरूम सर्विस सेंटर सब मिल जाएंगे गाड़ियों के, रॉयल एनफील्ड, KTM, बाकी फोर व्हीलर्स के भी हैं इधर तो सब है, टोयोटा से लेके हर गाड़ी के मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखो टाटा मोटर्स का भी है इधर शोरूम सर्विस सेंटर दोनों। स्ट्रेट ही जाना है मुझे, ये तो कांगड़ा तो इस साइड है ना, आगे से कोई रास्ता होगा मेरे ख्याल से। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कुछ पता नहीं, ये वाला सिस्टम है इधर इस टाइम पे। पीछे एम्बुलेंस हॉर्न दे रही थी, उसको उस साइड जाना था, पुलिस वाला इस साइड की ट्रैफिक क्लियर कर रहा है। स्टड का हेलमेट सुंदर है यार, स्टड का हेलमेट भाई ने लगा रखा है, भी सुंदर लग रहा है मुझे। डॉट सर्टिफिकेशन भी है स्टड में, वाह भाई वाह। 1300 ग्राम का शौकीन झंडे झुंडे लगा रखे भाई ने बाइक में। ओके कांगड़ा एयरपोर्ट यहाँ से है 5 किलोमीटर, धर्मशाला यहाँ से चले जाओगे तो 14 किलोमीटर है। ठीक है भाई, हमें धर्मशाला तो नहीं जाना, हमें सीधा ही जाना पड़ेगा। थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर के बाद राइट लेंगे, तो हाईवे छोड़ूंगा मैं 3.5 किलोमीटर के बाद। ओ भाई साहब टांग उठा के चला रहा स्कूटर भाई, मेरे को भी ऐसा ड्राइवर बनना भाई की तरह, राइडर टांग उठा के बाइक चलाया करूंगा मैं, कुछ लेके जा रहा है वो त्रिपाल। ये कोई स्कूल है, कौन सा है, कार्मल, माउंट कार्मल स्कूल है, एक पालपुर में है, एक इधर देख लिया मैंने भी, ये कांगड़ा में। मैं जब बाइक की सर्विस करवाने गया था 15 मार्च के आसपास करवाई थी, कब करवाई थी, तब मैंने वहाँ बच्चे मिले, उनसे बात की कहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने बोला माउंट कार्मल में, मैंने बोला अभी छुट्टियाँ होगी, बोल नहीं सर हमारा हो गया, क्लासेस भी लग गई वापस। तो माउंट कार्मल वाले एडवांस हैं इस विषय में, रिजल्ट रिजल्ट के द्वारा उनके बैचेस भी बैठ गए, क्लासेस भी बैठ गई बच्चों की। चलो जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, आज की जो मंजिल है उसकी तरफ। और एक खूबसूरत पहाड़ियाँ, गहरी खाइयाँ, मोड़ और ये रोड, मज़ा आ रहा है राइड करने का मुझे, और आप देख के मज़ा लीजिए फिर। ऊंची ऊंची चट्टानों को काट के रोड बने हुए हैं, अभी भी 20 किलोमीटर और है रास्ता मेरा। पुलिस वाले मिले हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ना 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 नहीं किया इन लोगों ने कुछ, मेरे को तो देखा नहीं, मैंने सोचा रोकेंगे तो रोका भी नहीं, नंबर है ना बाहर का इसलिए क्या पता रोक सकते हैं। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ से आया पूछने के लिए, बट नहीं रोका। अरे देखो मोड़, देखो मोड़, यू टर्न नहीं है प्रॉपर टाइप, और ये सुंदर से गांव दिखने लगे हैं इतनी देर जंगल में राइड करने के बाद में ना, अब ये गांव दिखे हैं। चलो थोड़ा सा तो तसल्ली आई है, मैंने जंगली जंगल होंगे आगे तक तो पता नहीं, बट नहीं गाँव है साइड राइट साइड में। किलोमीटर है और यहाँ से मसरूर जो है ना, और भाई क्या ही सुंदर एक के बाद एक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं भाई, दिल खुश हो गया। अकेले होते हैं ना तो बंदा अपनी मर्जी से चलता है मस्त होके, वैसे मैं चल रहा हूँ, आई एम ए सोलो राइडर मैन। ₹550 पे है मंदिर ऊपर। चलो जी एट लास्ट मैं पहुंच गया मसरूर में, ये तो मसरूर विलेज तो हो गई, बट ओहो गाड़ी वाला मोड़ पे मिल गया। चलो मेरे ख्याल से यही होगा पार्किंग स्थल, ये है मसरूर का पार्किंग। ये देखो यहाँ से, यहीं से बाहर से तो ये दिख रहे हैं रोका टेम्पल्स ये हैं, और चलते हैं अभी, ये एंट्रेंस है यहाँ पे, देखते हैं कुछ तो होगा चढ़ावा जो चढ़ाना पड़ेगा।
चढ़ावे से मेरा मतलब इस चीज़ से है कि टिकट कितने रुपए का है यहाँ का, देखते हैं। कुछ तो मैंने सुना है टिकट के बारे में, पर अभी पहले पूछते हैं अगर टिकट लगता है या नहीं लगता है। इधर कोई टिकट टुकड़ वाला तो है नहीं पूछने के लिए, कोई काउंटर था एक नीचे, उस पर तो कोई था नहीं, तो टिकट लगती है नहीं लगती है तो नहीं पता चल सकता है। बट यहाँ देखो भाई खूबसूरती देखो, ये देखो, ये है मसरूर रॉक का टेम्पल्स हैं, और ये एक ही पत्थर को काट के बनाए गए थे। बोलते हैं कि एक बड़ी चट्टान से टोटल 15 मंदिरों का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ये देखो भाई ये लिखा हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है, उन्होंने कुछ जानकारी दी है। 15 मैंने पढ़ा था, पर ये 19 इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हैं जो कि एक ही रॉक को काट के बनाए गए हैं, और उसमें से कुछ ही अभी खड़े हैं, बाकी जो 1905 के भूकंप है ना वो ढह गए था, टूट गया था। ये जो मंदिर बने हुए हैं के नगर आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं मंदिर, ये बोर्ड में तो लिखा हुआ है। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोई है ही नहीं टिकट काटने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये थोड़ा ये है टिकट काउंटर यहाँ का, और यहाँ पे ना आपको दिखा दूँ मैं कि ये स्कैनर है, ये आपको स्कैन करने है अपने फ़ोन में, और यहाँ स्कैन करने के बाद ये आपको ले जाएगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, और वहाँ पे डिटेल डालने के बाद में आपको पेमेंट करनी है। इंडियन के लिए 20 रुपये का टिकट है, और अंकल जी फॉरनर के लिए 50 का ना, जो फॉरनर है उनके लिए आप 250 का टिकट लगता है, और जो अडल्ट है उनके लिए 20 रुपीज़ का, इंडियन के लिए ओनली, और बच्चों का जो 15 साल से ऊपर के हैं उनका ही टिकट लगता है इधर 20 रुपये का, और नहीं। ये देखो खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, एक ही चट्टान को काट के बनाए गए हैं, ये देखो भाई, और ये सुंदर सी झील है इधर, बहुत सुंदर झील है ये, मसरूर लेक ही बोलते हैं इसको, तो मैंने पढ़ा था जहाँ तक। बोलते हैं कि ये मंदिर का ना कुछ ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि कब बना था, कोई जानकारी वैसी नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं कि कब बना था। 7वीं और 8वीं सदी के आसपास के बना हुआ मंदिर है, और कई पौराणिक कथाएं हैं इसमें बताया गया कि पांडवों ने इसे अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। ये मंदिर जो था वो शिव भगवान को समर्पित था, बट अभी इस मंदिर गृह में ओनली भगवान श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की और माता सीता जी की मूर्ति है। ये देखो सामने है, बाहर से दिखाने के लिए बोला है, आगे जाके नहीं दिखा सकते अंदर से। तो अभी मैं आ चुका हूँ चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से दिख रहा है पूरा मंदिर का नज़ारे, देखो। और उस साइड ये जो है वो मसरूर बिल्डिंग है, आगे चल के देखते हैं। हाइट पे है ना बना रखा है, वहां से मैंने दिखाया आपको मंदिर का नजारा, ऊपर से पूरा आ रहा था मंदिर,
और सच में सुबह तो बादल थे, अभी धूप लगने लगी, पसीने आ रहे हैं। अभी जैकेट उतारने का मन कर रहा है। टाइम अभी 2 बज चुके हैं, अभी थोड़ी देर रुकूंगा, बैठूंगा, रेस्ट करूंगा, रेस्ट, उसके बाद चलूंगा वापस। सो गाइस, मंदिर देख के, रॉक का टेंपल देख के मैं तो निकल चुका हूँ वापस। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा इस वीडियो में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी अगर कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूं, और मिलता हूं आप सभी के साथ मैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।